आज सुबह दफ्तरी कर्मचारी यूनियन ने एक रोष मार्च निकाला। ये रोष मार्च लाडोवाली रोड के जूनियर मॉडल स्कूल से शुरू होकर विधायक बेरी के दफ्तर पहुंचा। इन लोगों ने वहां बेरी को नमक की थैलियां भेंट की। ये लोग खुद को पक्के करने की मांग को लेकर वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अज का जो प्रोग्राम सीगा जी, असी एक ऐलान किया जी विधायकों को जोड़े लून के पैकेट दिए जाएंगे, लून दिता जाऊगा, क्योंकि सवा चार साल तो सरकार सानू जख्मों तो अलावा कुछ नहीं दे रही। ये जख्म वो जख्म ने जोड़े कि सानू पक्के करने का वादा किया गया। असं परिवार वार सारे सिर लारे लाए गए हैं, जो भी असं मिलते हैं किसी सानू तुहानू पक्का जल्दी किया जा रहा। मुख्यमंत्री चार बार विधानसभा ऐलान कर चुके हैं जी कच्चे मुलाजमान को पक्का कर रहे हैं। एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, पांच बार सैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, एक 2019 की कैबिनेट सब कमेटी लगातार चल रही है ब्रह्म महिंद्रा की लीडरशिप। अज तक उस कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया गया। कल जो असं उन्होंने मिले हैं तो कहें जी अं सिर्फ पे कमीशन से गल करा। इस करके अज रोस वजो साडे जिहड़े जख्म ने वल्ले ने हरे ने, उन्होंने तुसीं आपदे हत्थीं नमक पाओ ताकि तुहानूं भी महसूस होवे साडी पीड़ की है। इस करके अज पूरे पंजाब च विधायकां ते मंत्रियां नूं जिहड़े कि नमक दे पैकेट दित्ते। देखो जी, ये आश्वासन सानूं सवा चार साल तो दे रहे हैं। अज असीं इन्हां अगे शरेआम प्रोटेस्ट जाहिर किया, मीडिया के सामने जाहिर किया। बेरी ने, बेरी साहब ने या बाकी कांग्रेस के MLA ने अज हुण सत्ता चाहना है, लोकां चाहना है, क्योंकि चार महीने रह गए, हुण तां सीटां पिछे भजनट होनी है। अज असीं इन्हां कोल आए हां, कल इन्हां ने साडे कोल आना है, तो इसे तरह इन्हां दे हलकियां च जाके इन्हां नूं घेरांगे ते इन्हां कोलों सवाल पुछांगे जो अज पुछे। दफ्तरी कर्मचारी यूनियन वल्लों सारे इकट्ठे हो के आए हैं, यार आईडी थल्ले रख ली थल्ले मंगा ने, बिल्कुल जाया जाए ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਰਸੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਏਜ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਮਕ ਫੜਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਨਮਕ ਫੜਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਸ਼ਿਆ ਦਿਓ ਨਮਕ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ 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 ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪੈਣੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਕਈ 45 ਸਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।